फुल एंजॉय फुल मज़ा कीजिए दोस्तों, देख सकते हो ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस वर्मा ब्लॉग, और मैं संजय वर्मा आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि बैकग्राउंड देख के समझ चुके हैं, मैं इस वक्त दुर्ग शिवनाथ नदी पे खड़ा हूँ, जहाँ पर दुर्गा माता जी का विसर्जन हो रहा है, उसी का ब्लॉगिंग करने इस नदी पर पहुँचा हूँ। नेक्स्ट टाइम भी गणेश भगवान का विसर्जन के लिए पहुँचा था, और पिछले साल दुर्गा भगवान का, तो इस बार भी दुर्गा माता जी का विसर्जन के लिए पहुँचा ब्लॉगिंग करने। मेरे साथ ब्लॉगिंग में है गोलू रवि, मेरा भाई। कैसा लग रहा है गोलू? तो चलिए ब्लॉग को देखिए और मजा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो चलते हैं ब्लॉगिंग के, धन्यवाद। तो दोस्तों, शिवनाथ नदी में दुर्गा माता जी का विसर्जन के लिए गाड़ियों का लाइन लग चुका है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। पूरा दुर्ग और भिलाई का दुर्गा माता जी इसी नदी पर आके विसर्जन होते, चाहे गणेश भगवान हो, देख सकते हो भीड़, देख सकते हो दोस्तों, एक से बढ़कर एक दुर्गा माता जी की मूर्ति दोस्तों, देख सकते हो विकराल रूप में, सातों बहन एक साथ, दुर्गा माता जी का मूर्ति देख सकते हो, और आगे लंबा लाइन लगा हुआ है, ये देख सकते हो दोस्तों, आरती हो रहा है। देख सकते हो दोस्तों, पूरा दुर्ग भिलाई की दुर्गा माता जी की मूर्ति आप लोग ऊपर से दिखा रहा हूँ, फिर नदी के पास से ब्लॉगिंग करूँगा, आप लोग देख सकते हो आगे तक पूरा नज़ारा। दोस्तों मैं यहाँ से जूम करके पहले आप लोग को दिखा देना चाहूँगा, देख सकते हो दुर्गा माता जी का मूर्ति, तो ये देख सकते हो दोस्तों शिवनाथ नदी, चारों तरफ का व्यू, इधर से आने वाला ये पानी, जाने वाला, और ये देख सकते हो दुर्गा मूर्ति विसर्जन करके आने वाली गाड़ी, तो देख सकते हो दोस्तों दुर्गा माता जी का मूर्ति को डुबाने के लिए लास्ट आरती किया जा रहा है, इसी नाव पे डुबाया जाता है। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ का भीड़, देख सकते हो दोस्तों चारों तरफ का नजारा, ऊपर से भी लोग देखने वाले, शिवनाथ नदी पुल दुर्ग, देख सकते हो ये क्रेन से उठा हुआ दुर्गा माता जी को, दिवाली जैसा माहौल, ये देख लो उसमें लेके जाया जा रहा है। देख सकते हो दोस्तों हैदरा से दुर्गा माता को लाया जा रहा है, और इधर नाव से दुर्गा माता को विसर्जन के लिए बैठाया गया, बीच नदी में जाके छोड़ा जा रहा है, देख सकते हो। जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, देख सकते हो हैदरा से कैसे दुर्गा माता को गाड़ी से उतारा गया है। देख सकते हो दोस्तों दुर्गा माता को कैसे एक तरफ क्रेन से लटकाया गया, और एक तरफ उधर एक दुर्गा माता को बीच में लेके गया। देख सकते हो दोस्तों दुर्गा माता को लाया जा रहा है विसर्जन के लिए,
बच्चे को दुर्गा माता को कैसे दिखाया जाता है बच्चे। देख सकते हो दोस्तों यहाँ का भीड़ शिवनाथ नदी के दुर्गा विसर्जन पुल में जितने भी दर्शक खड़े हैं कृपया करके पुल छोड़ दीजिए, अव्यवस्था हो रही है, पुल छोड़ दीजिए। देख सकते हो दुर्गा को कैसे क्रेन से उतारा गया है। तो देख सकते हो दोस्तों दुर्गा को डुबाने इतने कितने लोग आए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों दुर्गा माता को क्रेन से कैसे उतारा जा रहा है। बहुत भीड़, बहुत खूबसूरत नज़ारा, दुर्गा विसर्जन शिवनाथ नदी आप लोग देख ही रहे हो। क्रेन द्वारा बड़ी बड़ी मूर्ति को उतार कर नाव में रखा जाता है, फिर नाव से ढकेल दिया जाता है गोताखोर द्वारा, लोकल मछुआरों द्वारा। ये वही शिवनाथ नदी जहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ था। देख रहे दोस्तों कैसे क्रेन द्वारा उठा लिया गया है मूर्ति को। अब सीधा गाड़ी आगे हो जाएगा, फिर उसके बाद क्रेन मूर्ति को आगे ले जाकर नीचे नाव पे रखेगा। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को और फुल एंजॉय फुल मज़ा कीजिए दोस्तों। देख सकते हो गाड़ी आगे हो गया, अभी क्रेन आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर नाव पे रख देगा। देख सकते हो दोस्तों दुर्गा माता जी को क्रेन से कैसे उतार के नाव में। देख लो दुर्गा माता जी को कैसे क्रेन द्वारा उतारा जा रहा है। देख लो दोस्तों नाव में रखे गए क्रेन द्वारा दुर्गा माता को और गोताखोर द्वारा ढकेल दिया जाता है, वो आप सामने देख रहे हो। देख लो दोस्तों कैसे दुर्गा माता जी को गोताखोर द्वारा नाव से ढकेला जा रहा है। देख सकते हैं ऐसे दुबाया जाता है दुर्गा माता को। देख सकते हैं दोस्तों दुर्गा माता को कैसे बीच में ले जाकर, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आए थे शिवनाथ नदी में दुर्गा माता जी का ब्लॉगिंग करने। अभी तो पूरी रात डूबेगी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है करके हम लोग अपना ब्लॉगिंग करके जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अब आप लोग को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ले जाता हूँ। बाय, धन्यवाद।